ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फोर लाइन लोक मोडी का अमरन अनशन 13वें दिन तक प्रवेश कर गया है और सरकार के कान में अभी तक जू तक नहीं रेंगी है। अमरन अनशन पर बैठे राजेश पठानी व अशोक पठानी की सेहत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। पिछली रात प्रशासन द्वारा राजेश पठानिया व अशोक पठानिया को अस्पताल ले जाया गया। यहाँ पर राजेश पठानिया व अशोक पठानिया ने अपना इलाज करवाने से ही मना कर दिया। फोर लाइन लोक बॉडी का आमरण अनशन आज 13वें दिन तक प्रवेश कर गया है और सरकार के कान में अभी तक जू नहीं रेंगी। आमरण अनशन पर बैठे राजेश पठानिया व अशोक पठानिया की सेहत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। पिछली रात प्रशासन द्वारा राजेश पठानिया व अशोक पठानिया को अस्पताल ले जाया गया। यहाँ पर राजेश पठानिया व अशोक पठानिया ने अपना इलाज करवाने से डॉक्टरों को मना कर दिया। आमरण अनशन के समर्थन में श्याम सिंह तिलकराज व मंगल सिंह अनशन पर बैठ गए। नूरपुर के अस्पताल में नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन समर्थकों सहित राजेश पठानिया व अशोक पठानिया को कुशल क्षेम पूछने पहुंचे और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। अजय महाजन ने कहा कि सरकार इतनी असंवेदनशील हो चुकी है कि उन्होंने सरकार से पुनः अपील करते हुए कहा कि जो लोग अनशन पर बैठे हैं सरकार उनके प्रति संवेदनशील रुपया अपनाते हुए बताए कि क्या फोर लाइन योजना बननी है या नहीं। यदि नहीं बननी है तो उनकी मांगों को उचित समाधान निकाला जाए। जिन मांगों को लेकर अनशनकर्ता अनशन पर बैठे हुए हैं, सरकार लोगों की भावना के प्रति सकारात्मक रुपया रखते हुए स्वीकृत पत्र जारी करके वास्तविक स्थिति क्या है। जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं राजेश पठानिया जी और अशोक पठानिया जी, फोर लेन के बारे में बैठे हुए हैं, उनका आज हम हाल पूछने आए थे और एक बार दोबारा सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि इनकी जो मांगे हैं, उचित मांगे हैं, वो बहुत जायज हैं और उनके ऊपर अमल किया जाए। और जो फोर लेन की स्थिति है उसके बारे में स्पष्ट किया जाए क्या बननी है या नहीं बननी। और जैसे इनकी डिमांड है, अगर बननी है तो पता लगे कि कब शुरू होना है, अगर नहीं बननी है तो इनको सबको मुआवजा दिया जाए। तो ये देखिए 12 दिन हो गए हैं भूख हड़ताल पर बैठे हुए, तो इनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील हो सरकार और इस सब लोगों की जो मांगे हैं उसके ऊपर गौर किया जाए और जल्द से जल्द एक श्वेत पत्र जारी किया जाए जिससे हमें सबको पता लगे कि असल स्थिति पोलैंड की क्या है। वही शिवसेना के पदाधिकारी व सामाजिक कार्यकर्ता रमेश कालिया अपने समर्थकों सहित अनशन पर बैठे लोगों को अपना समर्थन दिया व सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आज 2 बजे तक इनकी मांगों के बारे में जवाब दे, अन्यथा दोपहर 2 बजे के बाद शिवसेना उग्र आंदोलन करेगी जिसकी सारी जिम्मेवारी सरकार व प्रशासन की होगी। जैसा कि मैंने सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से सुना भी था और पढ़ भी लिया और आज जहाँ पे मैं नूरपुर में पहुँचा हूँ, और बड़ी ही दुख की बात है कि स्थानीय प्रशासन और सरकार मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं। क्या वो चाहते हैं कि जहाँ पे जो आंदोलनकारी हैं, जो अमर अंचल पे पिछले 12 दिन से बैठे हैं, उनकी मृत्यु हो जाए। मैं जयराम सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो चीज चाहते हैं वो मानते हैं कि जो राजेश पठानिया जहाँ पर उनकी टीम जहाँ पर अमर अंचल पे बैठी हुई है कि वो अपने प्राण त्याग दें,